groups and group dynamics. What does group means? What is the purpose of the group? And what is group dynamics? सबसे पहले अगर हम लोग देखें, individually we are one drop and together we are an ocean. इंडिविजुअल हम क्या हैं? एक कतरा हैं, जबकि जब हम मिल जाते हैं तो एक ओशन बन जाता है. इसी तरह जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स क्या है? इट कैन बी डिफाइन एज सेवरल इंडिविजुअल हु कम टुगेदर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क और गोल. कि जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई भी एक काम, कोई भी टास्क जो है तो वो मिलकर करते हैं, तो वो ताकि जो गोल है उसको अचीव कर सकें, तो वो क्या बन जाता है? एक ग्रुप बन जाता है. और ग्रुप में हम कह सकते हैं काम जो है तो वो जल्दी से हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है, और जो भी टास्क है वो हम अच्छे तरीके से उसको अकम्प्लिश कर सकते हैं इन ग्रुप. व्हाट इज द ग्रुप डायनामिक्स? ग्रुप डायनामिक्स जनरली क्या होता है, किसी भी ग्रुप की जो एटीट्यूड, उसके जो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप, दैट इज बेसिकली द ग्रुप डायनामिक्स. ठीक है. एंड दिस इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरेक्ट इन अ ग्रुप एनवायरमेंट. ये ग्रुप डायनामिक क्या है? एक सोशल प्रोसेस है जिसमें हर मेंबर के हम कह सकते हैं एक डिफरेंट बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट जो कि हर मेंबर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है इन अ ग्रुप एनवायरमेंट. And that is basically the group environment. और ये जो group dynamic है, ये किसी भी individual की personality को, उसके behavior को क्या करती है? Influence करती है in a group process. Group dynamic concern how group form, their structure and process and how they function. Group dynamics का main concern क्या होता है कि groups कैसे बनते हैं, उनका structural process और उनका जो function, कि क्या काम है ग्रुप्स का, ग्रुप मेंबर का, वो क्यों बने गए हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका प्रोसेस क्या है. एंड ग्रुप डायनामिक्स आर रेलेवेंट इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ ऑल टाइप. फर्दर हम लोग इसमें ग्रुप्स टाइप में देखेंगे फॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं और इनफॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं, और ये जो ग्रुप डायनामिक्स हैं हम कहते हैं कि ये दोनों के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हर ग्रुप के अंदर, इंक्लूडिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, उसके अंदर हर इंडिविजुअल का कोई ना कोई एटीट्यूड और उसके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं विद इन अ ग्रुप. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी तंजीम के अंदर ग्रुपिंग का होना क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग? ग्रुप्स आर वेरी कॉमन. The study of the groups and group dynamic is an important area of study in organizational behavior. किसी भी तंजीम के बिहेवियर के अंदर उसको स्टडी करने के लिए ग्रुप डायनामिक्स का की स्टडी बहुत जरूरी होती है. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट मेंबर्स इन अ ग्रुप. ठीक है. वो हम कह सकते हैं एक टीम के तौर पर एक्ट करते हैं. जब वो मिल के काम कर रहे होते हैं, जो भी उनको पर्टिकुलर टास्क दिया होता है, जब वो मिल के करते हैं, तो इन टर्न क्या होता है? दिस ग्रुप और इट्स टीम ये क्या करती हैं? उसकी जो मेंबर हैं, ग्रुप मेंबर, उसकी जो परफॉर्मेंस है उनको फर्दर इन्हेंस करती है. उसकी उसकी रिस्पॉन्स टू द कस्टमर वो फर्दर क्या होता है? वो इंक्रीज होता है. उसकी जो इनोवेशन है वो इंक्रीज होती है. उसका जो मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन लेवल है किसी भी मेंबर का, वो फर्दर क्या करता है? वो इंक्रीज कर जाता है. और इन टर्न क्या होता है? जब ये सारी परफॉर्मेंस अचीव हो जाती हैं, तो इन टर्न इट विल गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज. कि जो भी टास्क गोल दिया हुआ है, जो भी कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट किया हुआ है किसी भी टीम ने, तो वो उसको फर्दर एडवांटेज मिल जाते हैं, अगर तो वो टीम में टीम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन अ ग्रुप. Then what is the importance of a group in organization? किसी भी तंजीम के अंदर ग्रुपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? Groups typically outperform individual when the task involved require a variety of skills, experience and decision making. जो भी टास्क दिया होता है ग्रुपिंग के अंदर, तो उसकी क्या जरूरत, उसके लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? स्किल्स की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है. और ज्यादातर जो ग्रुप्स होते हैं हम कहते हैं कि है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, दे इजीली असेंबल ताकि वो किसी भी गोल को अचीव कर सकें. And this man or move on to another set of goals. जो भी उनको relevant जो specific time period दिया हुआ है group के अंदर groups को किसी भी organization के अंदर, कि वो जो उस specific time के अंदर वो अपने goal को achieve कर सकें, ताकि वो next अपने जो objective हैं उसकी तरफ फिर वो move on कर सकें. Then groups have many motivational aspects.
ग्रुप्स के क्या करते हैं, वो हर मेंबर को एक उनको उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, हर मेंबर दूसरे मेंबर से कुछ ना कुछ को क्या कर रहा होता है, वो सीख रहा होता है, ऑल्दो दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड ग्रुप मेंबर्स आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, वो क्या करते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, डिसीजन मेकिंग जो भी एक्टिविटीज आ रही होती हैं उसमें वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि उनको हम कह सकते हैं कि बाख्तियार बनाते हैं, या उनकी जो भी कारकर्दगी है उसको उसमें फर्दर इजाफा होता है अगर तो वो एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज के अंदर विद इन अ ग्रुप. एंड ग्रुप्स कंप्लीट मोस्ट ऑफ द वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तंजीम के अंदर, ठीक है, हम तंजीम की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसके अंदर ज्यादातर काम क्या किस में होता है, ग्रुप्स में होते हैं. इंडिविजुअली कोई काम भी सच नहीं दिया जाता ग्रुप में, और वो ग्रुप जो है तो वो टास्क जो भी काम है वो ज्यादा अच्छे से करते हैं और वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है. Does the effectiveness of organization is limited by the effectiveness of its group?